आइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज आइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर जिले से, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पर 86,000 रुपए का अवैध रूप से कफ सिरप बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से 86,000 रुपए का अवैध कफ सिरप बरामद किया गया, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 पेटी कफ सिरप आरोपियों की गिरफ्त से बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 86,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने झारखंड से कफ सिरप ला रहे एक ट्रक को जब्त भी किया है, साथ ही सिरप खरीदने आ रहे कार को भी चालक सहित हिरासत में ले लिया है। चलिए, तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बलरामपुर जिला से हमारे संवाददाता घनश्याम सोनी से रुख करते हैं। घनश्याम, छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर से 86,000 रुपए का कफ सिरप बरामद करने की खबर सामने आ रही है, आखिर आरोपी कहां ले जा रहे थे इस अवैध रूप से सिरप को? देखिए भूपेश, बता दूं कि अभी लॉकडाउन के समय में रामानुजगंज पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और झारखंड की ओर से ये जो ट्रक है आ रहा था और छत्तीसगढ़ झारखंड के बॉर्डर पर रामानुजगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जो ट्रक चालक है उसमें 2 लोग सवार थे और ट्रक चालक जो है अपने सीट के नीचे 4 पेटी कफ सिरप रखा हुआ था, 719 नग, जिसकी कीमत 86,000 रुपए बताई जा रही है। वही पुलिस ने बताया कि इसमें जो है राजपुर क्षेत्र से एक कार में 2 व्यक्ति सवार होकर इस कफ सिरप को लेने आ रहे थे, उनके पास से 99,000 रुपए बरामद हुए हैं और पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। इस तरह से कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले पर हुई है। पुलिस के मुताबिक कार, ट्रक, कफ सिरप और नकदी की अगर बात करें तो कुल 19,00,000 रुपए की जब्ती पुलिस ने, ये बड़ी जब्ती की है। वही पुलिस ने बताया कि 113(21)(c) और NDPS एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई भी की गई है। घनश्याम, एक बड़ा सवाल है कि 4 पेटी जो कफ सिरप लाया जा रहा था, आखिर वो कहां से कैसे लाए और इन पर कोई कैसे कार्यवाही नहीं की गई, और बीच में जो जांच होती है इन पर जांच क्यों नहीं हुई है? देखिए, ये जानकारी के मुताबिक गढ़वा क्षेत्र के आसपास से ये कफ सिरप लेकर के आ रहे थे ट्रक के माध्यम से, और जो तस्कर है इनके हौसले बुलंद है। लॉकडाउन में भी पुलिस प्रशासन को चकमा देकर कि ये कफ सिरप को खपाने की फेर में थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रामानुजगंज पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। घनश्याम, जो 4 आरोपी गिरफ्त में आए हैं, आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें से जो कार चालक थे वो राजपुर क्षेत्र के हैं और अभी पुलिस में बाकी चीजों की विवेचना में जुटी हुई है। जी घनश्याम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर से 86,000 रुपए का अवैध रूप से कफ सिरप पुलिस ने बरामद कर लिया है, इनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। झारखंड क्षेत्र से जो है एक ट्रक जो आ रही है जिसमें कुछ कफ सिरप की पेटियां जो है ड्राइवर जो है अपने सीट के पास रखा हुआ है, तो तत्काल जो है इसकी सूचना जो है श्रीमान IGP महोदय, हमारे नौपदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर टीम गठित की गई। तत्काल मौके पर पहुंचकर उस गाड़ी को तलाशी लिया गया जिसमें अपने को करीब 719 CC जो है कफ सिरप बरामद किया, जिसकी कीमत जो है 86,200 रुपये है, और उस आरोपियों से जो खरीदने वाला था कार वाले जो रेड कलर की कार है उसमें 99,000 रुपये जो है बरामद की गई और उसे जब्त किया गया, और ट्रक और कार दोनों की कीमत जो है 19,00,000 है, और संपूर्ण जो है जब्ती की कार्रवाई विधिवत करके न्यायालय जो है 4 आदमियों को रिमांड पर पेश किया जाएगा और